सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर में एक सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर क्या होता है? सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर वो पोटेंशियोमीटर है जो छोटे से छोटे वोल्टेज को भी मेजर कर लेता है। सपोज करो मैंने आपको कहा कि मेरा जरा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक सर्किट में, तो अंदाजा था मुझे अंदर से पता था कि इसकी वैल्यू 0.02 वोल्ट ही है। 0.02 वोल्ट बहुत छोटी है, तो सोचो जब 0.02 वोल्ट है तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी? बहुत छोटी, हिलेगी भी नहीं। तो आपने कहा यार ये तो जॉकी हिल भी नहीं रही, मैं मेजर क्या करूँगा? तो मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा, तो अच्छा पोटेंशियोमीटर नहीं आपका मैं कहूँगा। तो बढ़िया पोटेंशियोमीटर क्या हुआ कि जो बहुत छोटी वी की वैल्यू पे ठीक ठाक बैलेंसिंग लेंथ शो कर दे, इतना सेंसिटिव है कि कुछ ना कुछ बैलेंसिंग लेंथ है जो मेजरेबल है, ताकि मैं एटलीस्ट फॉर्मूले में वैल्यू उठकर कोई आंसर तो निकाल लूँ, तो सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब है? इफ इट इज केपेबल ऑफ मेजरिंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर। अगर आप छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, बैलेंसिंग में अच्छी खासी आ रही है, तो इस केस में क्या है, ये सेंसिटिविटी ज्यादा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप नोट लेना, फॉर्मूला रजिस्टर में आएगा, मेंस या नीट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ सकता है इसके ऊपर। क्या? स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेटर द सेंसिटिविटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना छोटा, सेंसिटिविटी उतनी बड़ी। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है के इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एल। तो सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर कम होगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम किया जा सकता है? पहला केस, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन का मतलब वी अगर कॉन्स्टेंट है, अगर वी कॉन्स्टेंट है, तो अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को बढ़ा दें तो के क्या हो जाएगा? कम। वी सेम रहे लेकिन लेंथ बढ़ जाए, तो ऐसे केस में के क्या हो जाएगा? कम, सेंसिटिविटी फिर बढ़ जाएगी। और दूसरा केस है, फॉर अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का मतलब के जो होता है वो क्या होता है? वी बाय एल। तो एल को कॉन्स्टेंट कर दिया, वो कहता है अगर मैं वी को कम कर दूं तो K भी क्या हो जाएगा? कम। और V कम करने का तरीका क्या है? करंट को कम कर दूं, क्योंकि V होता क्या है? I into R, ओम्स लॉ। अगर करंट कम हो जाए तो भी V कम हो जाएगा, V कम हो गया तो K कम हो गया। और करंट कम कैसे कर सकते हैं? बाय एडजस्टिंग क्या? रियोस्टैट। रियोस्टैट की वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं तो पोटेंशियोमीटर का करंट कम हो जाएगा, करंट कम होगा तो V कम हो जाएगा, V कम होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये लिखा हुआ है, डिक्रीज पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग द करंट विद द हेल्प ऑफ अ रियोस्टैट।